फी सर्जरी डेढ़ या 2.5-3, तो इसको हम एवरेज 2 लाख रुपए 2 लाख फी सर्जरी, 5 हजार। एक अरब रुपया? एक अरब रुपया? मतलब इन्होंने पिछले 3 साल में सिर्फ अपेंडिक्स के नाम पे 1 अरब रुपया कमाया है। रोंगटे खड़े हो गए मेरे। और फिर भी लोग शौकत खान को मसीहा मानते हैं। ये मसीहा नहीं है भाई, कसाई है। दोनों एक साथ नहीं आए खान साहब। गुलजार का दोस्त पहले से अस्पताल में था, गुलजार बाद में आया। फ्रेश फुटेज मंगवाओ। इस वक्त करंट सिचुएशन क्या है उनकी, वो क्या कर रहे हैं, वो मंगवाओ। फ्रेश फुटेज भेजो फौरन। कैफेटेरिया में आमने सामने बैठे हैं और उनके पास कोई पेपर्स भी पड़े हैं खान साहब। ये पढ़ क्या रहे हैं? कोई ऐसा कैमरा नहीं है जो इस फाइल को फोकस करे? नहीं खान साहब, वो कैमरे से दूर बैठे हैं। आप कहते हैं तो सिक्योरिटी स्टाफ को भिजवा के चेक कर लेते हैं। नहीं, इस तरह उसे शक हो जाएगा। गुलजार बड़ी चीज है, उसको हल्का मत लो। ये दूसरा लड़का इसके साथ कौन है, इसका पता कराओ। ये वाकई पेशेंट है या कोई? अगर हम जो सोच रहे हैं वैसा ना हो तो? क्या मतलब? मैं समझा नहीं। मतलब एक आध डॉक्टर हो जो ये फेक सर्जरीज कर रहा हो, शौकत खान को पता ही ना हो इस बात का, फिर सभी हो सकते हैं। शौकत खान जैसे बंदे के अस्पताल में ऐसी करप्शन हो रही है और उसे इल्म ना हो इस बात का, और ये डॉक्टर्स इस जैसे बंदे के अंदर करप्शन कर ही कैसे सकते हैं? ये बात भी सही है। एक काम करना होगा तुम्हें, पिछले 3 साल में जिन लोगों की सर्जरी हुई है उनसे पर्सनली जाके बात करनी होगी, क्योंकि हम सबूत के बगैर कुछ नहीं कर सकते। और मुझे भी थोड़ी देर के लिए पीछे हटना होगा, क्योंकि शौकत खान को पता चल गया मैं इसका हिस्सा हूं तो हमारा प्लान खराब हो जाएगा। मैं तुमसे इन टच रहा करूंगा। अब अगर तुमने मेरी मदद करने का फैसला कर ही लिया है तो तुम्हें इस इम्तिहान से गुजरना होगा। हर इम्तिहान से गुजरूंगा भाई। जानवर समझ के इन लोगों ने मेरा पेट काट दिया। मेरे पैसे भी हराम के नहीं थे। मैं इनसे बदला जरूर लूंगा। हाँ जी सही, ठीक है, ठीक ठीक, ओके ओके। राहिल नाम है सर्गे का खान साहब। 3 साल पहले इसका ऑपरेशन भी हमारे अस्पताल में हुआ था, अपेंडिक्स का। आता जाता रहता चेकअप के लिए। मेरा नहीं ख्याल हमारे लिए खतरा बनेगा ये। लेकिन फिर भी गुलजार पर और उस लड़के पर तुम हर तरह की नजर रखना, मुझे पल पल की खबर देना। कोई रिस्क नहीं ले सकता मैं। देखो कुटू, मेरे बच्चे मेरे साथ थाने जाओ और अपने बयान वापस लो और भाई को छुड़ा लो। मेरे बच्चे, उसने जब मुझे मारने की कोशिश की मैंने उसे माफ किया, लेकिन इस बार उसने बड़ी को मारने की कोशिश की है, मैं उसे माफ नहीं करूंगा। देखो कुटू, कहीं साबित तो नहीं हुआ ना कि उसी ने बड़ी को जहर दिया है? अब आप भी उसकी तरफ हैं, तो मेरी तरफ कौन है? अपने मामू को गलत मत समझो प्लीज गुड्डू। जो बच्चा मुसीबत में होता है इंसान उसी की फिक्र करता है ना, वो तुम हो या सादत। और सादत ने अगर कोई गलती की है ना, उसे हम सजा देखे याद करेगा वो, देखना तुम। नहीं देखो बच्चे, तुम घर चलो मेरे साथ। उठो मेरा बच्चा, चलो।
आए। सरप्राइज। यहाँ क्या हुआ है भाई? क्या हुआ है? कुछ नहीं। कैसा लग रहा है? लग रहा है इस जगह का पोस्टमार्टम हुआ है। पोस्टमार्टम क्यों? ये चेंज पसंद नहीं है? नहीं, मुझे लग ही नहीं रहा कि मैं अपने घर में एंटर हुआ। हाँ, थोड़ा सा डिफरेंट तो है, लेकिन ये बताओ कैसा लग रहा है? अच्छा है ना? हाँ ठीक है। बस ठीक है गुलजार, मैं ये सब तुम्हारी खुशी के लिए कर रही हूँ, इतनी मेहनत की मैंने, और तुम कह रहे हो कि बस ठीक है। नहीं, मैंने कब कहा मैं खुश नहीं हूँ। इसे क्या हुआ? सिर्फ इसे नहीं, मुझे भी किर्चियाँ लग गई ना दोनों को, शीशा गिरा दिया इसने। अच्छा खैर छोड़ो, रहने दो, मुझे बताओ भाभी महवेश ने क्यों बुलाया था? हाँ, एक बुरी खबर है, रिता मिसिंग है। मिसिंग है? पता नहीं कहाँ है, लेकिन ये किसी को पता नहीं अभी तक, तो अपने तक रखना। ये तो बहुत परेशानी वाली बात है। रिता कहाँ है भाई? एक दो दिन से नजर ही नहीं आई। हाँ, रात को खाने पर भी नहीं थी और आज सुबह नाश्ते पे भी नहीं नजर आई। कहाँ है रिता? वो अम्मी, उसका मूड नहीं हो रहा बाहर आने का। भाई दिन में एक दो बार तो मिल लिया करती है, वो कल से नजर ही नहीं आई। मैं जाके देख के आता हूँ उसको। ज़्यादा नहीं, मेरा मतलब है बच्ची है, फोर्स मत करें उसे। मैं कर रही हूं ना बात, आई विल हैंडल। महवेश, क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच में? मुझे क्यों लग रहा है तुम दोनों हमसे कुछ छुपा रहे हो? नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा मतलब है वो रिदा फेल हो गई थी। क्या फेल? सादत ने हाथ उठाया, बस वही बात दिल पे लेके बैठी हुई है। ये क्या बोल रही हो तुम महवेश? रिदा फेल नहीं हुई, एज अ मदर तुम फेल हुई हो। हमें तो पता ही नहीं कि वो फेल हो गई। और तुम दोनों एक दूसरे पर इल्जाम क्यों दे रहे हो? अगर बच्ची फेल हो गई है, उससे जाके बात करो आराम से। किसी मुश्किल में होगी हमारी रिदा अगर फेल हो गई है। नफ्सियाती मसाइल होते हैं बच्चों को इस उम्र में, लेकिन अपने आप को इस तरह कमरे में बंद कर लेना, किसी से मुलाकात ना करना, ये अच्छी अलामत नहीं है। अम्मा आप भी ना, जाके मैं अभी उसका दिमाग ठिकाने लगा। रहने दो, तुम बात करने को कहा है, लड़ने झगड़ने को नहीं कहा। हम दोनों बात कर लेंगे उससे। अभी नहीं अबू, उसने मना किया। अभी वो अपने हवासों में ही नहीं है। जरा नॉर्मल हो जाए वो तो आप कीजिएगा ना बात। अभी मुझे हैंडल करने दें प्लीज। ठीक है महवेश, जो आप दोनों को बेहतर लगे। और तुम सादत, फिलहाल बच्ची के आस पास भटकना भी नहीं। फिर से उसकी तरफदारी मत करना। मैं तुम्हारी तरफदारी करता हूं, तुम्हें बचाने आता हूं। सादत ने जो किया है उसकी सजा उसे मिलेगी। बेजान की सदा आसमान छूती है। तुम क्यों खुदा बनने की कोशिश कर रहे हो?
मेरा दिल अभी बहुत दुखा हुआ है। तो फिर इंतकाम से दिल को सुकून दोगे? अपना अच्छा इंसान आलूदा मत करो, पर झाड़ो और निकल जाओ। पर झाड़ के? दो बाज वाली कहानी भूल गए जो दादी सुनाती थी? हाँ याद है, दो बाज लड़ते हैं, थोड़ी देर लड़ने के बाद पर झाड़ के एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, फिर जब वापस आते हैं फिर ये भूल जाते हैं कभी लड़े भी थे। वो कहती थी जानवर से सिर्फ प्यार मत करो, उनसे सीखो भी। वो लड़ते जरूर हैं लेकिन कभी दिल में नहीं रखते। सादत को हवालात से निकालो, अम्मी अबू बहुत परेशान है। पता नहीं कौन कौन सी चीजें ना देखनी पड़ रही हैं। तू फिर आ गया? मैं अपना बयान वापस लेने आया हूँ। बयान वापस लेने आया है? सर बच्चा सीरियस है। चलो निकलो यहां से, चलो। उल्दार हमें एक आदमी पर शक है, हो सकता है तुमने या तुम्हारी फैमिली में ऐसे किसी ने उसे देखा हो। किस आदमी पर? 40-45 का सांवला सा आदमी है, जिस दिन दिलबर गायब हुआ था तो उसे उससे बातें करते हुए देखा गया। ऐसा तुरंत तफ्तीश हमें वहाँ के लोगों ने बताया। दिलबर, अबे किन बातों में लगे रहते हो, काम की तरफ देखो। वैसे तो वो उससे अक्सर मिलता रहता था लेकिन जिस दिन दिलबर गायब हुआ उस दिन ही आपस में जब बातें कर रहे थे तो उनके चेहरों से लग रहा था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रही। ऐसा करते हैं कि मैं उसका स्केच बनवा देता हूँ, हो सकता है कि इसमें हमें आसानी हो जाए। हाँ कामरान, वो जो हुलिया मैंने तुम्हें बताया था उसके मुताबिक और बाकी लोगों से भी इन्फॉर्मेशन ले लो और एक स्केच बनाओ उस आदमी का। मजाक है क्या? पहले रोते हुए आके FIR कटाते हो, फिर बाद में आके कहते हो मुझे यकीन नहीं है कि उसने जहर दिया होगा। इंसान हूँ, गलती नहीं हो सकती मुझसे। जहर तो दिया है कुत्ते को किसी ने, तुमने दिया हो या तुम्हारे भाई ने, किसी ना किसी को तो अंदर रखना होगा। देखिए सर, इसने अपनी आंखों से देखा नहीं है, बस शक था इसे। चाचा जी, मैंने कोई आपसे बात की है? आपने इससे पूछा है कि एक कुत्ते के पीछे इसने हमें कितना दौड़ाया? सर इधर गुजर करें, बच्चा है, मासूम है। शक्ल से इतना भी मासूम नहीं लगता। मासूम तो पुलिस वाले भी नहीं दिखते शक्ल से। चाचा जी क्या खिलाते हो इसको? हमारे सामने ना बड़े बड़ों की चट्टी गीली हो जाती है और जिनकी नहीं होती उनकी हम कर देते हैं। तुमने अटेम्प्ट टू मर्डर का केस किया अपने भाई पर, और अटेम्प्ट टू मर्डर का केस हो ना तो इतनी आसानी से नहीं बंदा छूट जाता। सर ये सोना है सर मेरे पास, वो भी इसकी माँ ने दिया था मुझे। रिश्वत का सोना भी ना गले में हड्डी बन के फंसता है। मैं तो मजाक कर रहा था, हम पुलिस वालों का हाजमा भी ना लक्कड़ अजम पत्थर अजम होता है। जा छोड़ दे इसको। जी सर। शख्स को गौर से देखो, कहीं ये वही तो नहीं जिसने दिलबर को फ्लैट किराए पर लेकर दिया? फ्लैट भी लेके दिया है, पेंटिंग स्टूडियो भी, वो भी एक मैकेनिक को। समझ नहीं आ रही। ऐसा करता हूं कि
इस स्केच को ना इलाके के सारे थानों में भिजवा देता हूँ, इसका मैं डेटा निकलवा लेते। और हाँ, तुम्हारी भतीजी के कमरे की तलाशी भी लेनी पड़ेगी, हो सकता है कि वहाँ से कुछ क्लू मिल जाए। चल भाई आ जा, जमानत होगी तेरी। नहीं नहीं गुलजार, पुलिस के आने का मतलब है कि सब कुछ तहस नहस हो जाएगा, तुम्हारे भाई को पता चल जाएगा। हम इज्जत का उछलना फोर्ट नहीं कर सकते। लेकिन भाभी, पुलिस ऐसे रिदा को तलाश नहीं कर पाएगी। सर, मैं खुद दो दिन से रिदा के कमरे की तलाशी ले रही हूँ, इस उम्मीद पे कि शायद कोई सुराग मिल जाए। भाभी, आपकी और पुलिस की तलाशी लेने में बहुत फर्क है। गुलजार, तुम समझ नहीं रहे हो, लड़की का मामला है। दो दिन गुजर गए हैं भाभी, अब और क्या बचा है? आपको बताना होगा भाई को, और अगर आप नहीं बताएंगी तो मैं खुद आके उनको बताऊंगा। मैं काम करती हूँ, मैं रिदा के कमरे में जाकर वीडियो कॉल करती हूँ, क्या ख्याल? अभी ऐसे नहीं होता, उनका एक तरीका होता है। गुलजार, दोस्त है तुम्हारा है सचिन, मुझे नहीं पता, मैं 5 मिनट में तुम्हें कॉल कर रही हूँ। ये देखिए, महवेश आप ऐसा करें कि अलमारी से पूरे कपड़े निकाल कर अलमारी को दिखाएं। गुलजार, तुम्हारे भाई का फोन आ रहा है। सादत को छोड़ें इस वक्त भाभी, आप वीडियो कॉल कंप्लीट करें। रात को तो इधर ही रखी थी चेकबुक, कितनी बार बोला है ये चीजें इधर से उधर ना किया करें। महवेश रह गया ये बताइए कि आपकी बेटी के सारे कपड़े मौजूद हैं? नहीं, सारे कपड़े तो मौजूद नहीं है उसके। आप किथे रह गया? सर, बहुत सेक ली आग तूने, चल जाके रिपोर्ट बना। जी सर। और ये कैप टेबल पे रख देना। ठीक है सर। ये दरवाजा खोल दे, कुछ जरूरी बात करनी है। जी सर, कौन? बोल दिया सर।
तुमने एक जानवर के लिए मुझे दूसरे जानवर के हवाले किया। ये रात जो मैंने थाने में गुजारी है तुम्हारी दी हुई है। तुम फिक्र ना करो, अपने दिन गिनने शुरू करो। तुम्हारे साथ मैं वो करूंगा जो तुम सारी उम्र याद रखोगे। मेरे होते हुए तुम कभी भी चैन से नहीं बैठ पाओगे। आज मुझे जितनी नफरत तुमसे हो रही है शायद ही किसी से हुई हो। तुम्हारी लड़की छुप छुप के उस आदमी से मिलती रही है। तुम्हारी उससे बात भी हुई है, तुम उसके फ्लैट तक भी गई हो, तुमने उसकी वीडियो भी बनाई। और हाँ, वो रिंग भी तुमने उसको वापस की है जो रेदा से मिली थी। और इस सब के बारे में मुझे कुछ पता नहीं है। सादत, मुझे लगा वो बच्ची है, जज्बाती है, मैं कर लूंगी हैंडल। और तुमने इस सब में गुलजार को क्यों इन्वॉल्व किया है? तू और किससे कहती सादत? मैं मर गया था क्या? तुमने मेरे सबसे बड़े दुश्मन के सामने मुझे जलील कर दी। उसे दिखा दिया है कि हम अपनी बेटी नहीं संभाल सकते, और अब उसने पुलिस को भी इन्वॉल्व कर लिया। अब मैं कैसे आंखें उठा के चलूंगा? कैसे? सादत, तुम किस तरह? अम्मी, आप हम दोनों मियां बीवी के बीच के मामले में ना पड़े। गुलजार को तो मैं कॉल लगा। अर्ची रिदा ने अपनी तहरीर में कन्फेस किया है कि वो अपनी मर्जी से जा रही है, लेकिन हेलो, तुम रिदा के मामले में मजीद इन्वॉल्व नहीं होगे गुलजार। सादत, उस बंदे तक पहुंचने वाले हैं। हमें एक स्केच भी मिल गया है बंदे का। मैं जिंदा हूं अभी, और रिदा को जितना बिगाड़ना था तुम बिगाड़ चुके हो। मजीद मुदाखलत करोगे तो मैं एक गोली तुम्हें मारूंगा, एक उस रिदा को और एक खुद को, क्योंकि मैं भी मजीद जलालत के साथ नहीं जी सकता। सादत, मुझे पता है तुम गुस्से में हो, लेकिन यह वक्त होश से काम लेने का है। मैंने कहा नहीं तो नहीं। और हाँ, अपने उस SHO दोस्त को भी बोल देना कि पुलिस की मुदाखलत अब और नहीं चाहिए। और अगर ये बात औरों तक भी नहीं पहुंचेगी तो तुम्हारी बहुत मेहरबानी होगी। गुलजार, हम रिदा के केस में अपनी तफ्तीश जारी रखेंगे। यूं ही कोई अपडेट आती है तो मैं तुम्हें बता दूं। आपसे बाद में मिलता हूं। यहाँ कैसे लगी? बेटा तुम ठीक हो? तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी? हाँ बेटा, तुम इधर ही रहो, आके करीब मत जाना, मैं पानी लेके आती हूँ। अच्छा, पीछे रहो। ये क्या कर रहे हो? क्या पागलपन है? पीछे आओ, जल जाओगे।
मैं तो अभी आया हूँ इधर, हर चीज का इल्जाम मुझ पे लगाते हो। मुझे कोई शौक नहीं दोबारा पुलिस में जेल जाने का। अबू मैं आपको बता रहा हूँ, मुझसे नफरत के चक्कर में एक दिन ये घर को आग लगा देगा। कुत्ते को भी जहर इसी ने दिया था, मुझे फंसाने के लिए सिर्फ। जी अम्मी। बेटा सादत लाख मना करे, तुमने फिर भी पुलिस के साथ मिलके रिदा को ढूंढना है। जी बताएं अम्मी। अम्मी अगर सादत को पता चल गया कि उनके मना करने के बावजूद गुलजार रिदा को ढूंढ रहा है तो? सादत को हम लोगों में से कोई नहीं बताएगा। गुलजार बेटा तुमसे जो हो सकता है ना तुम कर लो। सादत बहुत गुस्से में निकले, पिस्तौल साथ लेकर गए हैं। पिस्टल लेके क्यों गया है? मुझे नहीं पता। No, this is not a good sign. सबने मोहतात रहना है। सादत कुछ भी कर सकता है, किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है, खुद को भी, रिदा को भी, किसी को भी। हम किसी का इंतजार कर रहे हैं? हाँ आने ही वाला होगा, वो देख आ गया। ओए इधर आ, इधर जल्दी आ, जल्दी। अबे कहाँ जा रहा था? दोस्त के पास जा रहा था। चल लेके चलते हैं इसे दोस्त के पास, डाल इसे गाड़ी में। चल डालो, चल शाम खा गया आपकी गोटी को। पीछे करे पापा, पीछे करे। बड़े तेज हो, पापा से सीख के पापा को सिखा रहे हो। अब मेरी बारी, ये मेरी गोटी सिरी चाड़ गई। देख लो तेरा बेटा जीत रहा है तुमसे। ये बात है, ये मेरी गोटी भी सीधी चल गई। अब बताओ कौन जीता? क्या वही है? मर गई थी तुम? पिछले एक हफ्ते से तुम्हें मैं कॉल्स कर रहा हूं। वो सनी के अबू की तबीयत बिगड़ गई थी, मैं बिजी थी। बेटा मेहमान आए उनके लिए दूध लेके। अच्छा पापा।
जमील दूध पत्ती लेके आ जल्दी। हेलो, मैं गुलजार के मुंह नहीं लगना चाहता। तुम उसे फोन करो और उससे वो स्केच मंगवाओ जो पुलिस वालों ने बनाया। मैं आसमान और जमीन एक करके तुम्हारी बेटी को ढूंढ निकालूंगा। उसने मेरी इज्जत पे कॉम्प्रोमाइज किया है और मैं अपनी इज्जत पे कॉम्प्रोमाइज करने वालों को कभी माफ नहीं करता। ओके। सब ठीक? हाँ, बस घर पे कुछ इश्यूज चल रहे हैं साथ। कुछ बातें फ़ोन पे नहीं की जा सकती, इसलिए आपको यहाँ आने की जहमत है। कोई नहीं, कहीं बैठ के बात करें। हाँ, ये पीछे एक ढाबा है, यहाँ चाय बड़ी अच्छी मिलती है। हाँ जी गुलजार भाई, 5,000 में से 50 लोगों से मिल चुका हूँ जिनका शौकत खान के अस्पताल में ऑपरेशन हुआ। 50 काफ़ी लोग हैं, पता तो नहीं चला मुलाकात की रीज़न? नहीं नहीं भाई, मैं सिर्फ बातचीत करता रहा और परखता रहा कि इनमें से काबिल एतबार कौन हो सकता। वैसे भाई मुझे लगता है मेरा पीछा किया जाता है। मेरा पीछा भी किया? हमें अलर्ट रहना होगा, किसी को पता ना चले कुछ। मेरे को ज़रूरी काम है, इन 50 में से कुछ लोगों का टेस्ट कराना ज़रूरी है ताकि कन्फर्म तो हो कि इनका अपेंडिक्स निकला या नहीं। ये मुश्किल मरहला है भाई, मतलब लोग पूछेंगे नहीं कि इनका अपेंडिक्स रीचेक क्यों करवाया जा रहा है। आप सोचें, डॉक्टर्स को अगर वक्त से पहले हमारी प्लानिंग का पता चल गया तो। ज़रूरी तो है, डॉक्टर भी काबिल एतबार होना चाहिए। एक बंदा है, मैं चेक करता हूँ, एक सेकेंड। गुलजार भाई, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, तुम बताओ, सब खैरियत है तुम्हारी तरफ? सब ठीक है, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। जबरदस्त, एक फेवर चाहिए थी तुमसे। हुक्म करें। यकीनन तुम्हारे अब्बा एक काबिले एतबार डॉक्टर होंगे। कुछ पेशेंट्स के टेस्ट चेक करवाने थे, लेकिन सीक्रेट रखना है सब कुछ, हो सकेगा? आप पेशेंट्स भिजवाएं, अबू काबिल एतबार हैं और आपके काम के लिए मैं खुद मौजूद होंगी। ओके, बेहतरीन। एक बंदा आएगा तुमसे मिलने, उसका नंबर शेयर करो, ठीक है? चलें ठीक है गुलजार भाई। थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह हाफिज। मैं इसकी डिटेल शेयर कर रहा हूँ, ठीक है? ठीक है भाई। शादीशुदा हूँ तो सैलरी अच्छी होनी चाहिए, वरना सुना तो है तुमने कि अगर सैलरी अच्छी ना हो तो बीवी का अजाब निकल आता है। अच्छा,
और ये नहीं सुना कि रोजगार में बरकत बीवी के आने से आती है? सुना हुआ है, एक्सपीरियंस नहीं किया। किसी भी चीज का क्रेडिट मुझे ना देना। अच्छा सुनो, वो रिदा का कुछ पता चला? नहीं, अभी तक नहीं। परिंदों की आवाज कहां से आ रही है? सरप्राइज। ये कौन लेकर आया? मैं लेके आई। इनकी आवाज से ना अब हमारे घर में रौनक लगी रहेगी और अच्छी भी फीलिंग आएगी। रामीन, पिंजरे में बंद फड़फड़ाते परिंदों की आवाज तुम्हें कैसे अच्छी लग सकती है? मैं सोच भी नहीं सकता था। अरे क्या कर रहे हैं गुलजार? आजाद कर रहा हूँ कैद से। नहीं करे ना, मैं इतने प्यार से लेकर आई थी। I love birds. You don't love birds, Ramin. If you loved birds, तुम उन्हें कैद ना करती पिंजरे में। अरे नहीं करो ना, please. इतने लोग रखते हैं यार। तुम मुझे जानती हो? अगर तुम मुझे जानती होती तो तुम्हें पता होता कि मैं कंट्रोलिंग इंसान नहीं हूँ। मैं कंट्रोल करने में यकीन नहीं करता रामीन, सरेंडर करने में करता हूँ। कैद करने में नहीं, आजाद करने में। Go. Fly, fly, go. बहुत बुरे हो यार। तुम्हें क्या लगता है दोबारा इन्हें कोई पकड़ नहीं लेगा क्या? वैसे भी ये बहुत छोटे हैं, ये ऐसे बाहर सर्वाइव नहीं कर सकते। तुम्हारा ख्याल है मुझे नहीं पता। मैं जानता हूँ रामीन, हो सकता है ये ना सर्वाइव करें, हो सकता है इनको की पकड़ के दोबारा पिंजरे में डाल दे, लेकिन हमारा काम आजाद करना है। असल में जो इनको पिंजरे में डालता है ना, कोई उनको पिंजरे में डाल देना 2-3 दिन के लिए, फिर उन्हें पता लगे वो कर क्या रहे हैं। Not impossible. पूछो मैं हकलाता क्यों, यारो मैं पछताता क्यों? क्योंकि मैं ग्रीन हूं।